स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से। मैं दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक, और ये आलू पालक में हम यूज़ किए हैं भुने हुए मसालों का। इस भुने हुए मसाले का यूज़ करके जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट और अलग ही स्वाद आता है आलू पालक का। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख कर और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले ये लगभग 200 ग्राम पालक को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसको हमें उबालना है, तो एक कढ़ाई हम रख दिए हैं गैस पर और इसमें ये पालक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। गैस ऑन कर दें और 2-3 मिनट बस हमें इसे पकाना है। एक बॉयल आने देंगे, बस 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए पालक हमारी अच्छे से ब्लांच हो गई है। गैस बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे बर्फ़ वाला पानी 1 ग्लास, ताकि ओवर कुक ना हो जाए। थोड़ी देर इसे में पड़े रहने देते हैं और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो ये ब्लांच की हुई पालक जो है वो ठंडी हो गई है। इसको एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसके हमें फाइन प्यूरी बनाना है। पालक के साथ हम यहाँ ले रहे हैं थोड़ी सी हरी धनिया, इसको धोकर और इसे भी कट कर लिए हैं, और 2-3 हरी मिर्चें ले लें। हम इसमें सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे, तो इसलिए हरी मिर्च हम सिर्फ 2 लिए हैं। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के इसको डाल दिए। तो ये देखिए प्यूरी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। कढ़ाई को फिर से रखेंगे गैस पर। कढ़ाई में डालें 3 चम्मच, बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल, और ये 3 आलू को मैंने ऐसे डाइस में काट लिया है। तो इसको भी इसी में डाल देते हैं। हमें फ्राई करना है आलूओं को। ढक्कन लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ज़्यादा ब्राउन और हार्ड नहीं करेंगे आलूओं को, सॉफ्ट रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा कलर ना चेंज हो। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अभी कच्चा है, इसको ढक देते हैं एक बार। और जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम एक मसाला भून कर तैयार करते हैं। ये बहुत चटपटा सा मसाला होता है और ये हमारे आलू पालक को बहुत अमेजिंग सा टेस्ट देता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये हम ले लिए हैं साबुत धनिया 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा और 2 चुटकी अजवाइन, साथ में 4 सूखी लाल मिर्चें। जैसा आपको तीखापन पसंद हो आप वैसा यूज़ करिए, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी यूज़ की हैं। और साथ में है आधी छोटी चम्मच खटाई यानी अमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर। तो इन सबको हमें भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है। तो हम ये पैन ले लिए हैं और इसमें ये जो साबुत मसाले हैं पहले उन्हें डाल देते हैं। पाउडर डालेंगे तो जल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये साबुत मसाले पहले भून लें, उसके बाद डालेंगे। इसकी टंडियाँ निकाल देते हैं। मसाला हमारा भुन गया है, 2 मिनट के करीब हो गए हैं। अच्छी सी स्मेल आ रही है इससे, सोंधी सी। तो हम गैस बंद कर दिए हैं और अब इसमें हमने ये जो पाउडर मसाले हैं, मतलब सौंठ और अमचूर पाउडर, इसको भी डालकर थोड़ा जल्दी जल्दी चला देते हैं। बस इसका हम एक कोर्सली पाउडर तैयार कर लेंगे। 4 मिनट के करीब हो गए हैं और आलू पकने ही वाले थे। और आलू पक गए हैं लगभग, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तेल गर्म हो गया, गर्मी है, और इसे गर्म तेल में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा तड़के के लिए। और यहाँ पर हम लिए हैं एक बहुत छोटा सा टुकड़ा अदरक का और लहसुन, लहसुन की 8-10 कलियाँ। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, अदरक कम है। तो क्योंकि मैंने सोल्ट पाउडर भी यूज़ की है तो इसलिए हम अदरक कम ले रहे हैं। तो इन दोनों को डाल देंगे और देखिए हम बहुत बारीक चॉप किए हैं, तो चॉप करके ही डालना है। पेस्ट डालने से अलग ही स्वाद आता है, तो इस तरह से फाइन चॉप करके डालिए। सबसे पहले ये अदरक लहसुन डाल देंगे।
हमारा अदरक लहसुन लाल हो गया है तो इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो प्याज हमारी देखिए ब्राउन होने लगी है, सॉफ्ट हो गई है। इसमें हम डाल देते हैं एक मीडियम साइज का टमाटर। इसमें डालें थोड़ी सी नमक। ढक्कन लगा के पकने देते हैं। 2-3 मिनट में टमाटर हमारे अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम डाल दे रहे हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लगभग 3/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, और इसका असली मसाला ये भुने हुए मसालों का पाउडर, ये इसमें डाल देते हैं। मिक्स करें। इसमें हम डाल देते हैं ये आलू। और अब हम इसमें डाल देंगे ये पालक की प्यूरी जिसमें धनिया और हरी मिर्चें भी हैं। सॉल्ट एडजस्ट कर लें और उसके लिए हम ले रहे हैं काला नमक। काले नमक से पालक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी हींग, ये हींग का लिक्विड फॉर्म में मैंने बना के रखा हुआ है। और हींग वाले भैया ने ही बताया था कि इस तरह से डालना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि हींग जो है वो उड़ जाती है अगर हम तड़के में डालते हैं तो। मिक्सी में जो पालक थी उसको भी पानी से थोड़ा सा खंगाल के डाल दिया। बस ढक्कन लगा देते हैं हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। लगभग 4-5 मिनट हम इसे पकने देंगे और हमारी डिलीशियस आलू पालक तैयार है। 4-5 मिनट हो गए हैं और सारी चीज़ें तो पकी हुई थी तो ज़्यादा पकने में कोई ऐसा समय नहीं लगेगा। बस ऐसे मसाला और पालक आलू सब कुछ मिक्स हो जाए मसालों के साथ। तो ये गैस बंद कर देते हैं और अभी एक इंग्रेडिएंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट बाकी है और वो है आधे नींबू का रस। पालक में नींबू का रस ज़रूर डालें, इससे जो पालक में आयरन होता है उससे डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। ग्रेवी की जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतनी रखें और ये हमारा आलू पालक बिल्कुल तैयार है। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।